चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, राइट? किन पॉइंटों में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस होता है और किन पॉइंटों में कंटिन्यूस नहीं होता है, साथ में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो लिखिए स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टूडेंट डिनोट करते हैं इस पर ब्रैकेट में हम एक्स लिख देंगे। दिस इज द वे हाउ टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब को समझने के लिए हम इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन में बदल देते हैं। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज इफ एक्स इज इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर है उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू एक्स ही आएगी, राइट? बट इफ एक्स इज एनी रियल नंबर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देन एक्स की वैल्यू एन आएगी, राइट? मैंने क्या बोला, अगर एक्स को इंटीजर है उस केस में तो आंसर एक्स ही हो जाएगा। अगर एक्स इन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है उस केस में एक्स की जो वैल्यू होगी एन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, तो इस फंक्शन का मतलब होता है द इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, यू कैन से द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। So this is the meaning of the greatest integer function, right? तो देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास x लिखा हुआ है, x, ठीक है, x मैंने क्या बोला, x किसी कोई भी दो, it is lie between any two consecutive integers, जैसे ये जो x है n और n plus 1 के बीच में lie करता है, right? तो इस x से छोटे बहुत सारे integer होंगे, जैसे n भी होगा और उसके बाद उससे छोटा n minus 1 होगा, उससे छोटा n minus 2 होगा, right? तो x is greater than all these integers, right? So in sum mein jo greatest hoga, what is that integer? That will be n. So that is why here is n. Right student? So kehne ka matlab ye student, ki hamesha jo greatest integer function ki jo value aayegi, ek integer hi aayegi. Jaise yahan pe dekhiye, this is also an integer. And this n is also integer, right? Both cases में greatest integer function की value क्या होती है, एक integer ही होती है। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, जैसे मैं कह सकता हूं, आई कैन सी दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज इंटीजर, राइट? अब जैसे मुझे गिवन है, अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मुझे निकालना है वैल्यू एफ ऑफ 1.1, राइट? अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 1.1 इज नॉट एन इंटीजर, ये कोई रियल नंबर है, and this real number lies between 1 and 2, right? हम या तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस 1.1 से छोटे कितने इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, इट में बी 1, इट में बी 0,
it may be -1, it may be -2 and so on. इन सब इंटीजर्स में से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यानी जो 1.1 से छोटा द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1. इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 1 होगी. आई कैन राइट लाइक दिस वे 1.1 दैट इज इक्वल टू 1. राइट. सिमिलरली अगर मैं इसको इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2.3, that means greatest integer of 2.3, it comes out to be 2. Why 2? Because 2.3 say the integers less than 2.3 are, that is 2, that is 1, that is 0, that is -1. Out of that, the greatest integer will be 2. That means the greatest integer less than 2.3, the greatest integer less than 2.3 is 2. If anybody asks me what is the value of -1, देखो इसको, इसको आप ऐसा करोगे number, you have to draw it in the number line, right? This is 0, this is -1, right? Answer will be, because this is the integer, so answer will be -1. But if anybody asks you what is the value of -1.1? Right, that means greatest integer value of -1.1. Right, now -1.1 kahan hai student? -1.1 sometime somewhere here will be the -1.1. Right, or is 1 point is dotted jo line maine draw ki hai, the integer less than this red square will be to the left of this, right? So this will be -2. So the answer will be -2. ठीक है स्टूडेंट? तो यहां पे स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता है, सो बी केयर ऑफ दिस थिंग्स. ओके, नाउ इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.2, दैट विल बी 0. Greatest integer value of 0.9, that is also 0. Right student? आपने देखा जो सारी values आएंगी, greatest integer values जो आएंगी, वो सारी एक integer ही आएंगी, right? That's why I have written the greatest integer value of x always be an integer. ठीक है student? अगर मैं इसे graph draw करना चाहूँ, तो देखते हैं कैसा graph इसका draw होता है. ठीक है student? So let us see this graph. Let it be one, this is 2, 3, 4, -1, -2, -3, right? देखिए, अगर मैं if I say what is the value of greatest integer value of 1.1, that is 1. So 1.1 somewhere here, right? So इसकी value कितनी होगी? 1 होगी. So this will be the 1. अगर मैं पूछूं what is the greatest integer value 1.2, that is also 1. So it also 1. So if I say what is the greatest integer value of 2, that is 2. यहाँ पे जब 2 put करेंगे in place of this, if I put 2, I will get the height 2. It will jump here. ओके, सो यहां से यहां तक इफ द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 1 टू, इफ द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 1 टू 2, राइट और 1, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1. सो यहां पे
ये भी बनाएगा राइट। लेकिन अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ टू, इट विल कम्स टू। सो आफ्टर दैट देयर इज अ जंप। ओके, तो टू पे यहाँ पे किसकी हाइट वन नहीं आएगी राइट। इफ आई पुट टू हेयर इन प्लेस ऑफ एक्स आई विल नेवर गेट द हाइट वन बट आई विल गेट द हाइट वन राइट। सिमिलरली इफ आई पुट similarly if I let the value of x in between, if I let the value of x between 2 and 1 right, for example if 2.2 it will be 2. If I say the what is the value of greatest integer value of 2, that is right. So agar main x ki value koi bhi value in between 2 and 3, this is 3 not 1, this is 3. If I take any value of x in between 2 and 3, I always get the height of the height means the value of the function will be, so this will be the graph. Okay, so this will be the blank spot, right? Similarly, it moves on like this. We have to fix, right? Similarly here, this is the graph. Right? This will be the, there is a hole here at the point 0, right? This is your minus one, this is your minus two, like this. So this is the graph of greatest integer function. Right, student? This greatest integer function is also called step function because the because of the shape of this graph, it looks like the, like a step, steps, right? So this is also known as step function. Okay, student. तो अब तक आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, राइट स्टूडेंट। अब हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व an equation involving greatest integer function, right student? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको कहा गया है greatest integer function equal to 2, right? इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इस x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, राइट? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, दैट गिव्स मी द वैलिडिटी, राइट? यू नो इट वेरी वेल दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 विल बी द ग्रेटेस्ट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.2 इज ऑल्सो 2, दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.3 इज ऑल्सो 2. That means the possible value of x lies below 3 but up to 2. Okay, that means the least value of x possible will be the least possible value of x will be 2, right? But less than 3. That means x can be in between 2 to 3 and also it can be equal to 2, right? So this is the solution. Right. So if anybody asks you, find the solution of this equation, the possible solution is x should lie in between 2 and 3, right? And x can also be equal to 2, right, student? क्या मतलब है student इसका student मतलब ये हुआ कि
Let us take another example. If anybody asks you, solve the equation, greatest integer function x equal to minus 2, right? What is the possible values of x? Now you know that if I have to find the value of minus 1.1, what is it? That is minus 2. If I say, what is the value of minus 1.3? That is again minus 2. If I say, what is the value of minus 2? That is again minus 2. Right. So from these examples, you come to know that. For this equation, the possible value of x is greater than or equal to minus 2, but less than minus 1. Okay, so this is the solution. Please copy. Okay, student. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने पढ़ा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कोई इक्वेशन है हाउ टू सॉल्व इट. नाउ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कोई इनइक्वालिटी है राइट इन प्लेस ऑफ इक्वल साइन इज इनइक्वालिटी साइन हाउ टू सॉल्व देम राइट लेट अस ट्राई लेट अस सी सम एग्जांपल्स लेट इफ आई गिव यू greatest integer function x is less than 2.1 and find x. ठीक है स्टूडेंट इसका मतलब हमें ऐसा x चाहिए that gives you the real number less than 2.1 यानी हमें लेकिन स्टूडेंट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इट इज ऑलवेज दिस द आंसर ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ऑलवेज बी एन इंटीजर हमेशा इंटीजर चाहिए होता है इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आती है. इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया स्टूडेंट आई नीड एन इंटीजर विच इज लेस देन 2.1 राइट विच इज लेस देन 2.1 ओके इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो इंटीजर क्या पॉसिबल है इंटीजर मे बी 2, 1, 0 -1 -2 -3 लेट अस टेक 2 तो मुझे क्या चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 चाहिए मान लीजिए तो ये 2 को मिलेगा जब इस एक्स की वैल्यू क्या होगी इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन टू एंड थ्री सो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन मुझे 1 कब मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मुझे 1 कब मिलेगी जब x की वैल्यू इन बिटवीन 1 and 2 होगी राइट दिस इज लेस देन ओके दिस इज लेस देन 3 राइट स्टूडेंट इसका ये मतलब हो गया स्टूडेंट कि x की वैल्यू मे बी इन बिटवीन 1 and 2 मे बी इन बिटवीन 2 and 3 मे बी इन बिटवीन इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस जीरो दैट मीन्स आई नीड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी जीरो सो वट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वट शुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सी हेयर दैट मीन्स इन दिस केस the value of x should be between greater than or equal to 0 but less than 1 okay student so in sabhi examples se aapne dekha ki jo x ki value hogi student that means the solution will be x should be less than 3 this is the solution राइट अगर मैं x की वैल्यू 3 से छुटा लेता हूं इफ आई टेक द एनी वैल्यू लेस देन 3 आई विल ऑलवेज गेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन 2.1 फॉर एग्जांपल इफ आई टेक
the value of x 2.9, right? What is the greatest integer value of 2.9? That is 2. Okay, which is less than 2.5. If I take x equal to 1.9, what is the greatest integer value of 1.9? That is 1. So that is also less than 2.5, right? So solution is x less than 3. X less than 3. That means I need a real number x which gives whose greatest integer value is less than 2.5. Right, student? The solution will be x less than 3. ध्यान रखना यहाँ पे greatest integer value should be less than 2.5. जबकि हमारा solution क्या रहा है x less than 3. यानी solution की जो value आ रही है वो right hand side से ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है student? लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. What's the point? चलिए स्टूडेंट अगला एग्जांपल लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का. इन यूक्लिडियन का एग्जांपल, राइट स्टूडेंट? तो अब लेते हैं एग्जांपल लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फैक्स is greater than 2. Okay. इस केस में फिर से वही बात. मुझे राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या चाहिए? मुझे राइट हैंड साइड में वैल्यू चाहिए 2 से बड़ी. 2 से बड़ी. 2 से बड़ी आने का मतलब क्या है? 2 से बड़ी आने का मतलब है 2 से बड़ी आने का मतलब है कि यहां पे वी नो दिस वैल्यू शुड बी दिस होल वैल्यू शुड बी इन इंटीजर. ये हमेशा एक इंटीजर होता है, राइट? तो इसका मतलब मुझे इंटीजर की वैल्यू 2 से मिलनी चाहिए, राइट? आई नीड एन इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 2, राइट? तो दैट मींस दिस वैल्यू कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी 5, कैन बी 6, कैन बी 7, कैन बी 8 एंड सो ऑन. दैट मींस अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 चाहिए, व्हाट शुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? दैट मींस x शुड बी greater than or equal to 3 but less than 4. अगर मुझे greatest integer x की value चाहिए 4, because this is the possible value, so that means in this case x is between less than or equal to 4, x is greater than or equal to 4 but less than 5 and so on. तो आपने क्या देखा स्टूडेंट? x की value या तो 3 होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए. और भी possible values हैं, you can also find them. So these are all solution. Solution का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू फाइंड करना. तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यू फॉर x. दिस इज द पॉसिबल, दिस इज, दैट मींस x कैन लाइ बिटवीन 3 एंड 4, x कैन लाइ बिटवीन 4 एंड 5, x कैन लाइ बिटवीन 5 एंड 6, राइट? तो फाइनली द सॉल्यूशन विल बी, फाइनली द सॉल्यूशन विल बी, फाइनली द सॉल्यूशन विल बी x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. सो दिस इज द आंसर. This is the solution. Okay, student. Students, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा greatest integer function क्या होता है, and after that how to solve the greatest integer equation, greatest integer functions equations, right? वो कैसे solve करते हैं, right? Now I give you some properties of greatest integer function, right? कोई दिक्कत यहां पे? चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर x कोई वेरिएबल है, कोई भी रियल नंबर है, प्लस इंटीजर, और हमें पता है कि ये एन इंटीजर है,
ठीक है, और बाहर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीजर को डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है 2.73 प्लस 4, व्हाट आई गेट, आई विल गेट 6.73, व्हाट इज इट्स वैल्यू, विल बी 6, राइट। और बिना एडिशन किए, बिना 2.73 प्लस 4 को ऐड किए, अगर मैं इसको करना चाहूँ तब भी मैं इसको कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई, दिस कैन बी रिटन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 2.73 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.73 प्लस 4, राइट। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.73 कितना होता है स्टूडेंट, इट इज 2, एंड 2 प्लस 4 6, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल। तो कभी कभी अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एन गिवन है, जहां पे एक्स तो कोई वेरिएबल है और एन के बारे में हम डेफिनेट है इट इज इंटीजर, तो हम डायरेक्ट इस एन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना आए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं स्टूडेंट, लेट अस राइट वन मोर प्रॉपर्टी, ओके। प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट, देखिए प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, फिर इसके बाहर और एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल रखा है, फिर दिस अनदर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ दिस, राइट। तो हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बाहर कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का फंक्शन लगा दें, राइट, हमेशा जो आंसर आएगा स्टूडेंट, हमेशा जो आंसर आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे, इंटीजर। यहां से मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, राइट। ये भी तो इंटीजर है, एक बार जो चीज, जैसे ये एक इंटीजर है, दिस बिकम एन इंटीजर। अब इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होती है क्या होती है, वो इंटीजर ही होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.1, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना इसको, हम सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.1, व्हाट इट इज, दैट शुड बी 2। नाउ अगेन देयर इज अ ब्रैकेट, पुट हियर ब्रैकेट, अगेन इज अ ब्रैकेट, राइट। नाउ सी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2, दैट इज अगेन 2, राइट, एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2, दैट इज अगेन 2, राइट। और वी कैन से दिस 2, right, or we can say this 2 can be written as greatest integer value of 2.1. तो सबसे अंदर वाला जो greatest integer value है उसी को हम बाहर लिख सकते हैं, इसको यही मैंने यहाँ पे किया, तो सबसे अंदर वाला greatest integer value function का उसको मैंने ऐसे आंसर लिख दिया, राइट। तो दिस इज another property. Now let us do one question, it is asked in your एग्जाम में क्वेश्चन था स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस देन अगेन एक्स, इक्वल टू आपको 300 गिवन था, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, सबसे जो बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है उसको देखिए, उसके बाद अंदर की तरफ जाइए आप, राइट, इसको भी देखिए, ये x तो कोई रियल नंबर है,
This is your real number, right? What is this? X इसके अंदर भी real number है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ greatest integer value का function लगा हुआ है, so this becomes your integer. अगर ये integer है तो हम इस integer को बाहर ले सकते हैं, इस square bracket में बाहर ले सकते हैं. That means we can write x plus, इसको हम बाहर ले आए, इन दोनों को हमने सॉल्व किया है और इसको हम बाहर ले आए, इसको बाहर ले, इस इंटीजर को बाहर ले, दिस टाइम राइट. नाउ अगेन सी दिस इक्वल टू 300 राइट. नाउ ठीक है, अब देखिए अगेन सी अगेन ये हमारा क्या रियल नंबर है, इज योर रियल नंबर, दिस वन इज योर इंटीजर, दिस आल्सो इंटीजर. अगर इंटीजर आपको दिखाई देता है तो इस इंटीजर को स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर ले सकते हैं. दिस इंप्लाइज यू कैन राइट दिस इज द ब्रैकेट, दिस इज द दिस ब्रैकेट एंड वी टेक दिस टू इंटीजर आउटसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, आई विल गेट this right, and this is equal to given 300 right. Now this greatest integer function is added 3 times, this gives me 3 times of greatest integer function, that is equal to 300. That means greatest integer function will be equal to 300 divided by 3, that is 100 right. So now this is the case. Now look. Now what happened? Now greatest integer value of x is given 100. So this is possible only if x lies between 100 and 99. Okay. And this can be equal to 100 as well. So this is the solution. That means wait. This is 101, sir. This is 100. Right, student? So that means the value of x belongs to 100 to 101. Okay, open bracket. Okay, this is the solution.